सैलरी जो है ना वो पूरे साल की कैलकुलेशन है, सीज़न वाइज काम नहीं होता अगर देखा जाए तो। फिर दूसरी बात ये कि देखें, साल में 5 ब्लॉक इसके हम लोग कंसिडर करते हैं, और जिसमें से गैप के लिए मेरा ओपिनियन ये है कि मैं अगर जहाँ फंसता हूँ, मैं दिसंबर के महीने में मैंने देखा है कि मैं फंसता बोलता हूँ इसके थ्रू आया है, और इसी ने बोला था भाई अगस्त में, मैंने इससे अगस्त में लिया, और यकीन करें सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 3 महीने मैंने बैठ के खाया है। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैंने चूज़ा जैसे प्लेस किया ना, मेरे पास कुछ भी नहीं किया भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना। आप जून में तैयार हुआ और जुलाई के अंदर प्रोडक्शन स्टार्टिंग पर आई, फिर अगस्त के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके पास सर्दी आती जाएंगी, फिर आप सर्दियों में अच्छे से कमाओ, फिर गर्मियों का जो गंदा टाइम होगा उसमें आपको गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों में लेयर के काम में पैसे बहुत कम बचते हैं। ये साल तो एक्सेप्शन थी कि अच्छे पैसे निकल गए, लेकिन पिछले 4-5 साल की मार्केट निकालोगे तो नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। और उसमें ये अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, ये आप में से बहुत सारे लोगों के कहना था कि यार इस वीडियो को अपडेट करो, ये वीडियो मेरे पास कोर्स में मौजूद थी, कोर्स में मैं इस वीडियो को भी ऐड कर दूंगा ताकि सामने वालों को आइडिया हो जाए। बेसिकली कोर्स में एक स्ट्रक्चर मिल जाता है वीडियोस का, तो सबके लिए इजी हो जाता है। तो इस वीडियो में बेसिक हमारा टॉपिक ये था कि ब्रॉयलर साल के कौन से मंथ्स में डालना प्रॉफिटेबल होता है और कौन से मंथ में नहीं डालना चाहिए, और ये काम किस तरह का होता है। तो भाई स्टार्ट करेंगे वैद भाई से। वैद भाई ज़रा बताएं क्या सिचुएशन है यार। सबसे पहले तो वलीद भाई ये कि ब्रॉयलर जो है ना वो पूरे साल की कैलकुलेशन है, सीज़न वाइज काम नहीं होता अगर देखा जाए तो। फिर दूसरी बात ये कि देखें, साल में 5 ब्लॉक इसके हम लोग कंसिडर करते हैं, और जिसमें से गैप के लिए मेरा ओपिनियन ये है कि मैं अगर जहाँ फंसता हूँ, मैं दिसंबर के महीने में मैंने देखा है कि मैं फंसता हूँ, हाँ, तो मैं फिर उसमें गैप ले लेता हूँ और फिर जनवरी के मिड में दोबारा से प्लेस कर देता हूँ। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 5 ब्लॉक आप किन महीनों में कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैंने जून जुलाई का भी ब्लॉक डाला है, सही है, जिस वक्त लोगों की अच्छी खासी मोर्टेलिटी हुई। आपके सामने प्रीवियस ब्लॉक मेरा डला हुआ था जुलाई का, अभी करंट अगस्त का फ्लॉग डला हुआ है, फिर सितंबर में भी इंशाल्लाह डाल दूंगा, इंशाल्लाह ना अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सफाई करके, हो सकता है हफ्ता 10 दिन में डाल दूं, हो सकता है 15 दिन में डालूं, लेकिन इंशाल्लाह डालेंगे। मतलब ये समझेंगे साल में इंशाल्लाह, अभी तक आपको ये तीसरा फ्लॉग दिख रहा है ना, इंशाल्लाह मेरा इरादा ये है कि आपको यूट्यूब पर खुद 5 फ्लॉग करके आपको दिसंबर से पहले दिखाऊं, ताकि ये कि ओवरऑल फिर देखेंगे हमने क्या खोया क्या पाया। हाँ, हमारा प्लान ये भी है कि जो हम खुद फ्लॉग डालेंगे ना, बिल्कुल, जो हम कहते रहते हैं ना बार बार, तो यार एक टोटल फिजिबिलिटी निकालनी है, तो मैं कहा तीसरा फ्लॉग है, तीसरा फ्लॉग है, यानी कि लाइन से जो हम चल रहे हैं ब्रेक से पहले, सही है, कंटिन्यू करो। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जैसे प्रीवियस उसमें हमारा लॉस हुआ, दूसरे भाइयों का लॉस हुआ, इस फ्लॉग पर अगर आपको प्रॉफिट होता है ना, समझें उस लॉस के बराबर भी, तो वो समझें कि आपका वो प्रॉफिट में चले गया वाला फ्लॉग भी। क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ भाई, आपने 4 लाख रुपए लगाए थे ना अगर फॉर एग्जांपल, तो प्रीवियस आपने लाख रुपए अगर हुए, इस जब आपने लाख रुपए कमाए तो आप ये समझेंगे आपके पास दोबारा से रिटर्न आ गया, तो वो भी आपको प्रॉफिट ही कराएगा, प्रॉफिट अकाउंट होगा। अब आप लोग ये समझोगे कि यार वो प्रॉफिट अकाउंट नहीं होगा, वो तो आप ये समझोगे एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट, तो भाई वो भी इन्वेस्टमेंट अगर आपकी कवर हो गई तो वो प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट कंसिडर करते हैं। बाकी आप लोग जो इंडस्ट्री वाले हैं वो आप लोग कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि भाई ऐसा होता ही नहीं होता, वो आप लोग बताएं, वो जैसे पता अपनी कैलकुलेशन होती है। अच्छा मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ, देखिए भाई कुछ मंथ होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अलग अलग वीडियोस में बता चुके हैं, लेकिन इस वीडियो का टॉपिक एक होगा तो सबके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे कि मुहर्रम की जो कुछ तारीखें होती हैं इसमें नज़र व नियाज़ ज़्यादा होती है, चैलम, फिर उसके बाद चैलम का फ्लॉग जो कमिंग आने वाला है इसमें नज़र व नियाज़ ज़्यादा होती है, तो चिकन की कमी हो जाती है। रबी अव्वल अगेन मजहबी त्यौहार, समझे जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने ऐसे हैं पीक पे, 3 महीने के अंदर 2 फ्लॉग लाजमी आप लोग ने डालने हैं, तो उसमें अच्छे पैसे निकल आएंगे। ऐसी रबी अव्वल प्लान कर लिया आपने, उसके अलावा बकरा ईद, वो बकरा ईद कह रहा हूँ, मीठी ईद, मीठी ईद जो है वो आप डालोगे, उसमें चांसेस होते हैं कि रबी अव्वल और मीठी ईद में रेट बहुत ही ज़्यादा शूट कर जाए। और उसके अलावा जो हमारा शादियों का सीज़न होता है, यानी कि दिसंबर जनवरी, दिसंबर तो नहीं, खैर नहीं जनवरी, समझे मेरे ख्याल में इस दफ़ा रमज़ान कब आ रहे हैं, मार्च में आ रहे हैं मेरे हिसाब से, फेब या मार्च, मैं मार्च में शुरू होंगे मेरे हिसाब से, अप्रैल में, हाँ मार्च में आ जाएंगे, मार्च अप्रैल के बीच में आएंगे, मार्च में, तो एक आप हम पूरे साल की कैलकुलेशन करते हैं ना, एक व्लॉग आपका जनवरी में डल गया मिड में, दूसरा व्लॉग डल गया मार्च और अप्रैल, जो हमारी मीठी कंसीडर हो गई, खत्म कर लूँ। अच्छा ये 3-4 महीने तो हमने आपको अच्छे बता दिए, और जो गंदे महीने होते हैं जो पॉसिबली बहुत गंदे रहते हैं, उसमें जून का महीना अक्सर गंदा रहता है, फिक्स नहीं है, जून जुलाई यार एक ऐसा महीना है कि इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये कि गर्मी में लोग चिकन भी कम खाते हैं, लेकिन ये देख लीजिएगा ऐसा ना हो इन महीने में मुहर्रम आ रहा हो और आप लोग बोलें कि रेट कम होता है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो मोटे मोटे दिन है ना हमारे, एक उसमें आप ये समझेंगे जैसे चैलम हो गया, मुहर्रम के दिन हो गए 9-10, तो उसमें आपने कवर करनी है चीज़ें, उसमें कवर करनी है। उसके अलावा अगर हम और कुछ महीना ख़राब काउंट करें तो उसमें वो आ जाता है हमारे पास, दिसंबर आ जाता है, दिसंबर भी पॉसिबली कभी कभी अच्छा निकलता है, कभी बुरा निकलता है, कभी शादियों की वजह से रेट बहुत हाई भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। और जो सबसे गंदा महीना गुजरता है ना वो गुजरता है बकरा ईद का, बकरा ईद में
हमने भाई डाल के देखा, हमने डाल के चेक किया तो खैर वो तो अल्लाह का शुक्र है कुछ ना, तो ये वाला लेकिन बकरे के भाई मैंने नोट किया बकरा इससे मुहर्रम के आसपास तक लोगों के पास गोश्त रहता है, लेकिन जो मुहर्रम के दिन होते हैं ना 9-10 मुहर्रम इसमें खत्म हो जाता है। अब कंटिन्यू कर लो भाई। भाई मैं यही बोल रहा था, अब जैसे हम 25 की कैलकुलेशन करेंगे ना, तो 25 की कैलकुलेशन ऐसी है कि जनवरी में आपने एक फ्लॉक डाला, एक मार्च अप्रैल जो आपकी मीटी कवर कर रहा है, फिर आपने जो है ना दोबारा से ऐसा फ्लॉक डालना है जो आपका बकरा ईद के आप ये समझें कि तकरीबन 20-25 दिन बाद, या कोशिश करें कि मुहर्रम के दिनों में प्लेस करें। तीसरा ये हो गया। चौथा ये कि अब जैसे हम इस वक्त खड़े में ना, तो इससे आप ये समझें 2 हफ्ते पहले आप डालोगे तो आपका चैलम का हो गया। 3 फ्लॉक तो ये हो गए मोटे मोटे। फिर आप डालोगे कि जो अभी रबी अव्वल के बाद जो आता है ना हमारे पास, तो उसके लिए भी आप प्लेस करोगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने शादियों के होते हैं। बिल्कुल। क्यों? सितंबर में तो अभी आप ये समझें कि अभी हम सितंबर में खड़े हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने शादियों के होते हैं। इसमें ये होता है कि अगर आपने 3 महीने में 2 फ्लॉक भी डाल दिए ना, अगर आप ये समझें कि आपको अक्टूबर नवंबर में रेट नहीं मिला तो आपको दिसंबर में मिलेगा, अगर आपको दिसंबर में नहीं मिला तो आपको अक्टूबर नवंबर में मिलेगा। क्योंकि 3 महीने लाइन से जो है ना आप ये समझें कि ऑर्डर पीक पे होते हैं आपके पास, जो है ना ये समझे कि लोग घूमने फिरने भी ज़्यादा इसमें जाते हैं। फिर दूसरा ये कि भाई शादियों का सीज़न होता है तो जाहिर सी बात है चिकन तो बहुत ही ज़्यादा लगती है, चिकन तो वैसे ही शॉर्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन अगर आप लोग कर रहे हैं ना, तो यही है गोल्डन टाइम होते हैं दिन के हिसाब से। अच्छा क्या कहते हैं, ये तो एक बात हो गई नॉर्मल सी, इसमें कुछ चीज़ एडिशन करने वाली रहती है? नहीं यार ऐसा तो सच नहीं है, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि इस 3 महीने में ये भी होता है कि आप जैसे अभी इस वक्त पीक पे बारिशें चल रही है ना, तो नॉर्मली क्या होता है जो हम लोग कंट्रोल शेड वाले तो डाल लेते हैं, लेकिन जो ओपन शेड वाले होते हैं जैसे गड्ढा वगैरह में, वो उनको डर होता है कि बारिश में पानी ना आ जाए, भीग ना जाए, तो वो कम प्लेस कर रहे होते हैं या वो गैप ले लेते हैं। तो इन सीज़नों में आपने ख्याल रखना है, तो इसलिए 5 ब्लॉक की कैलकुलेशन लेके चलें, इतना हार्ड एंड कुछ भी नहीं है, इजीली आप लोग पालेंगे, काम चल जाएगा। अच्छा एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँ, जब हमारी वीडियो हो ही गई है लंबी, तो मैं काम करता हूँ लेयर ऑर्डर देना गोल्डन मिस्ट्री को भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि दोनों वीडियो थोड़ी सी एंड भी हो जाए और लोगों एक ही दफा में सारी चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि कोर्स में भी ये वीडियो हो जाएगी तो सबके लिए आसानी है। कोर्स में हमारी वीडियो थोड़ी ड्राई होती है, लेकिन उसमें फायदा ये होता है कि उसमें प्योर नॉलेज होती है, उसमें फालतू का देना ब्लॉगिंग नहीं होती। अच्छा जी, तो भाई बात सारी है कि अब बात कर लेते हैं मिस्री की। मिस्री में आपको बताऊं, देखें मिस्री में अगस्त के बाद माल की बेहतरी होती है, यानी कि अब अगस्त शुरू हो गया, अब अगस्त में रेट अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे रेट मज़ीद बढ़ता जाएगा। फिर तो उसके बाद जनवरी के बाद फरवरी में कम होगा, मार्च में कम होगा, अप्रैल मई में जो है ना बेसिकली रेट गंदा हो जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ गोश्त के हिसाब से। अगर आप अंडों के लिए प्लान कर रहे हैं तो फिर अंडों के लिए ये होता है कि आपने चूज़ा अगस्त से पहले पहले डालना है, या अगस्त में डाल दें और उसको आपने 4-5 महीने में तैयार करके नवंबर तक अंडा लेना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद उसको आप सेल करेंगे। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, गोश्त के लिए चूज़ा 2-3 महीने का डलता है और अंडों के लिए डलता है वो 4-4.5 महीने का डलता है। तो उसमें तकरीबन ये होता है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि आपने 4 महीने से प्रोडक्शन ली, उसके बाद चाहो तो आप उस पर फर्टाइल अंडा ले लो, ऐसी है, या चाहो तो आप उसको सेल कर दो और नई मुर्गी की तैयारी कर लो। अगर नई मुर्गी की तैयारी करने का जो आइडियल टाइम है ना फार्मिंग में, जैसे कि आप गोश्त का काम कर रहे हो और आप कह रहे हो यार कि अब मैंने सीज़न तो निकाल लिया दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक, अब क्या करूँ 3 महीने, अप्रैल का हल्का सा रेस्ट लूँ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें बजाय कि आप गोश्त का माल डालो, मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप खाली फीमेल चिक्स डालो और अगस्त के अंदर इस सीज़न में जितनी मर्दी मुर्गी हो ना मैं कहता हूँ बिक जाती है। अगस्त तो भाई पीक पे, अगस्त में मैंने अपना एक किया था, मेरे ख्याल में आपसे दूसरा फ्लॉग मैंने जो लिया था, दूसरा फ्लॉग जो था मेरा, मैं यकीन करें मेरे उसमें 100-150 चूज़े भरे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता देता हूँ वो वीडियो नहीं बनाई भाई ने, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया था। और यही क्या था कि कितना अंदाजा नहीं बताना जरा यार की बात है, उस वक्त मैंने कोई 500-600 में से 80-90 हज़ार रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया था, उसमें से निकल कर आ गया तो उस अभी तो ये पूरी जगह आपको दिख रही है ना फ्लॉक के लिए, उस टाइम पे सिर्फ आधी जगह पे रखा हुआ था, आपने मेरे ख्याल में वीडियो भी नहीं बनाई ना वहाँ पे, पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, रिकॉर्ड नहीं करते थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये टाइम जो होता है खास खास करने के, तो उम्मीद है कि समझ में आएगा कि फिर मैंने कुछ इसमें मिस किया तो एडिशन करते हैं और यहाँ पे समझा देंगे, रिपीट करते हैं। नहीं सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट हो गई है, बहुत अच्छा बताया, यही चीज़ मुझे भी इसने बताई थी, पहला जो मैंने आप ये समझे कमर्शियल में आया, मैं हमेशा से बोलता हूँ इसके थ्रू आया है, और इसी ने बोला था भाई अगस्त में, मैंने इससे अगस्त में लिया, और यकीन करें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 3 महीने मैंने बैठ के खाया है, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैंने चूज़ा जैसे प्लेस किया ना, मेरे पास कुछ भी नहीं किया भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप YouTube पे वीडियो नहीं थी ना, मैं YouTube पे चैनल नहीं, था नहीं, कुछ भी ना मार्केटिंग कर रहे थे, सिंपल मैंने क्या किया भाई Facebook पे ऐड और OLX पे ऐड लगाया, और यकीन करें लोग आ रहे थे लेके जा रहे थे, मैं उनको बोला था भाई आपको ये माल मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, उल्टा खुश होकर जा रहे थे, जाहिर सी बात है वैक्सीन वाला माल था, ये वाली बात है, तो ये है कि उसमें जो ना आपको अच्छा खासा फायदा निकल आएगा अगर आप लोग काम करोगे। फिर भी कोर्स अगर आप लोगों ने बाई किया लोगों ने तो कंसल्टेशन में कनेक्शन में, ये तो आप यकीन करें ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, अगर किसी ने अगस्त वाला चूजा उठा लिया ना
और अब यकीन करें नवंबर दिसंबर में उसके बाद पीक पे तैयार होगी और घर वाले भी इतने लेंगे ना कि भाई हमें 3 मुर्गियां चाहिए 4 मुर्गियां उनको भी आप दें इंशाल्लाह। देखो लोगों का दिमाग अब ये हो चुका है कि यार घर की मुर्गी अंडा देना तो कम से कम बाहर की बीमारियां नहीं आएंगी, भले वो महंगा पड़ रहा हो सबको लेकिन वो कहते हैं पाल लो। अच्छा एक चीज़ अब हमने इतनी करी दी है मालिक, तो एक वीडियो उसमें और ऐड कर देते हैं एक बात कि भाई लेयर का चूज़ा फैब, भाई आप बताओ कब डलता है, किस हिसाब से डलता है, फिर मैं बता दूंगा। लेयर का चूज़ा भी भाई यही है कि फैब से लेके अप्रैल तक मेरे हिसाब से कुछ चलता है, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल से शुरू हो जाता है, मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है और यही है कि 2 से 3 महीने का ही गैप होता है, मतलब 2 से 3 महीने रेगुलर उसमें मिलता है। अगर आप ये समझो कि अब अगस्त में मिलेगा ना तो अगस्त में आपको अब मुश्किल है, अगस्त में शुरू में आपको मिल गया तो मिल गया, लेकिन आइडियल टाइम जो है ना भाई वो है मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई में से तीनों महीनों में से किसी एक महीने में आप डाल दो सबसे बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि देखो 4 महीने में वो तैयार होगा, यानी कि अगर आपने मार्च में डाला, मार्च अप्रैल मई जून, जून में तैयार हुआ और जुलाई के अंदर प्रोडक्शन स्टार्टिंग पर आई, फिर अगस्त के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके पास सर्दी आती जाएंगी, फिर आप सर्दियों में अच्छे से कमाओ, फिर गर्मियों का जो गंदा टाइम होगा उसमें आपको गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों में लेयर के काम में पैसे बहुत कम बचते हैं, ये साल तो एक्सेप्शन थी कि अच्छे पैसे निकल गए, लेकिन पिछले 4-5 साल की मार्केट निकालोगे ना तो नुकसान होता है बहुत ज़्यादा, और उसमें ये होता है कि भाई अगर आपके पास 10,000 मुर्गी है ना तो आपको डेली का 20,000 का नुकसान हो रहा है, मेरे पास 1,00,000 मुर्गी है तो मुझे डेली का 2,00,000 का नुकसान हो रहा है, इसलिए बता रहा हूँ आपको इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है उसमें, तो इस चक्कर में कहानी चलती है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आप सर्दियों में डालोगे चूज़ा तो जब डालोगे तो फिर तो गर्मी आ जाएंगी, फिर तो किसी काम का ही नहीं आती है चूज़ा, और सर्दियों में चूज़ा पालना भी मुश्किल है, तो मेरे हिसाब से हमने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, कोई चीज़ ऐसी जो रहती हो? नहीं ऐसा सच तो नहीं, आप लोग ये बोलेंगे कि आप ये बताएं ब्रॉयलर अच्छा है, लेयर अच्छा है, मिस्री अच्छा है, तो देखें जहाँ आपका दिल मुतमइन हो आप ये करें, अलबत्ता ये कि भाई एक चीज़ सेफ साइड ये है कि भाई गोल्डन मिस्री और लेयर के अगर मैं बात करूँ तो दोनों सही सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है कि दोनों का पर्पज़ सेम ही है। गोल्डन मिस्री का फ़ायदा है कि आप जो है वो मीट के लिए भी हो जाता है, बाकी लेयर में आप ये समझे लेयर में कराची में किसी के पास भी नहीं है। भाई एक काम करते हैं, वैसे बड़ी अच्छी बात करी गोल्डन मिस्री लेयर ब्रॉयलर, इसका एक कंपैरिजन वाली वीडियो बनाएंगे, 25 मिनट की वीडियो होगी, वो वीडियो यूट्यूब पर भी रहेगी और शायद मैं कोर्स में डाल दूंगा, कोर्स में डाल दूंगा, इसमें सिचुएशन उसमें ऐसा करेंगे ना 1,000 बर्ड्स की फिजिबिलिटी बना देंगे, सबको डिस्कस कर देंगे किसके क्या पॉइंट्स हैं, क्या कौन से बेचने में मसला होता है, प्रॉफिट क्या होता है, क्या सेकंड है, वो सारी चीज़ डिस्कस कर देंगे, कमेंट करके बताएगा अगर आप लोग कहेंगे तो हम डाल देंगे। तो खैर इस वीडियो में एंड करते हैं सर, बिल्कुल इस वीडियो में एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कोशिश करिए सारी चीज़ें कवर हो गई बहुत जल्दी टाइम में, अगर हम लंबा करते तो पॉडकास्ट टाइप हो जाता, आप लोग भी बोर हो जाते, तो इसलिए नेक्स्ट उसमें कमेंट कर लें, बोलेंगे तो हमें मसला नहीं है, हम बैठ के बातें कर रहे होंगे तो वो आपको दिखा देंगे, हमारी तो फील्ड है देखें, हमारी तो डिग्री भी इसी में और हमारा तो एक्सपीरियंस भी इसी में, तो हमारा तो उड़ना बिछोना यही है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा, साथ ही अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं जिसकी फीस है 2,500 रुपीज़, और कोर्स की मजीद डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे गिवन है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल शेयर कर दूंगा, खाली कोर्स नहीं है उसमें 1 साल की कंसल्टेशन भी है और साथ में कुछ PDF बुक भी है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। यही पटेल है अरे सर को।